बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चिकन तंदूरी मसाला बनाने के लिए हम लोगों ने 2 kg चिकन लेनी है और उसके अंदर जो है हाफ बॉटल हम लोग विनेगर की ऐड कर देंगे। इसमें जो है हम लोग विनेगर डाल के इसको मिक्स करके अच्छे से इसको जो है हम रख देंगे ताकि जो है इसका जो चिकन का हमारा जो ये रेडनेस होती है वो सारी जो है अच्छे से निकल जाएगी, हमारी चिकन क्लीन हो जाएगी और जो है जो विनेगर है वो चिकन के अंदर अच्छे से चला जाएगा। 15 मिनट हमारी चिकन विनेगर में डिप रहेगी। कुकिंग से पहले हम विनेगर फेंक देंगे। स्टार्ट करते हैं हम मैरिनेशन। बाद जो है हम लोग दही लेंगे 1 किलो। 1 किलो दही के अंदर जो है हम नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरे हुए, और 2 टेबलस्पून नमक के ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून भरा हुआ। उसके बाद जो है ऑरेंज फूड कलर हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून, जिसे हम जर्दे का रंग भी कहते हैं, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसके अंदर लाल पीसीबी मिर्चें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भरा हुआ वो ऐड कर देंगे, और जो है इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड होगा 2 टेबलस्पून भरा हुआ। और इसके बाद जो है हम इसके अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जो हमारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं अब वो इसके अंदर ये मिक्स हो जाएंगे, और दही के अंदर हम लोगों ने इसको बीटर से या फोक से अच्छे से जो है इसको मिक्स करना है। ग्राइंड नहीं करिएगा क्योंकि जो दही है फिर वो पानी छोड़ देती है और गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरे हुए, और वो डालने के बाद भी जो है हम इसे अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ ये हैंड बीटर से ही जो है आप लोग देखें कितने अच्छे से हमारी जो ये दही है वो मिक्स हो गई है और इसके अंदर कोई जो है लम्स नहीं है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर चिकन के जो पीसेस हैं हमारे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप लोग जो देखें, मतलब नॉर्मली आप जो चिकन में इसके अंदर अगर ऐड करते तो आप लोग वाजे फ़र्क इसके अंदर जो है चिकन की जो एक दिखने में भी आ रहा है, और उसके बाद जो इसका जब ये पकने के बाद जो टेस्ट आएगा आप लोगों को वाजे फ़र्क जो है वो महसूस होगा। और आप लोग जो है इसको जो है सरखे के अंदर डिप करने का जो है ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम चिकन को जो है मैरिनेशन के लिए रख देंगे 2 आवर्स के लिए, और 2 घंटे के बाद जो है जब हमारी चिकन मैरिनेट हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम इसको अपना जो पैन है या कोई कढ़ाई है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे अब हम पकाएंगे। और पकाने का तरीका ये है, इसके अंदर मैंने जो है बहुत हल्की सी फ्लेम पर इसको रखा था। उसके बाद जो है जब दही ने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया तो अब इसको जो है हम लो टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे 20 मिनट के लिए, और हमारी चिकन जो है 15 टू 20 मिनट में जो है बहुत अच्छे से जो है वो पक जाएगी और जो हमारा मसाला है वो रेडी हो जाएगा जो दही का हमने इसके अंदर बनाया था। और आप लोग इसके अंदर चाहें तो कोयले का भी दम दे सकते हैं, बाज़ लोगों को कोयला इरीटेट करता है, उसकी स्मोक जो है नहीं पसंद आती, तो अगर आप लोग चाहें तो वो रहने दें और चाहें तो जो है आप इसके अंदर वो उसका जो है आप धुआँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चिकन तंदूरी मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब जो है मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और इसका जो मसाला था वो बहुत मज़े का होता है। आई होप आप लोगों को जो है ये ज़रूर पसंद आएगा। होममेड मसाले से बनने वाली ये चिकन तंदूरी मसाले की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसको जो है इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें, अच्छे से सर्व करें, और मुझे रखें दुआओं में याद। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फेरी लाइफ इन पाकिस्तान।